अभी माँ क्या बोल रहा है करना? चीची माँ, आप कह रही थी कि आप कुछ भी करेंगी, क्या कहा करमा ने? क्या बोला उसने, क्या करना होगा? अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो किट्टू को मार देगा। किट्टू की जान बचाने के लिए मुझे सासू माँ की जान लेनी होगी। पागल हो गया वो जो ऐसा सोच रहा है। कि हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा शर्त रखने की? उसने ऐसा सोचा भी कैसे? खेमपियाली की जान बचाने के लिए मोम की जान दे देंगे। हेलो करमा। अरे जानता हूँ क्या बोलने वाली है तू? तुझसे नहीं होगा, तू ये काम नहीं कर सकती, तेरे बस का नहीं है, तूने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी वगैरह वगैरह। पियाली के लिए मैं एक बार जेल जा चुका हूँ और अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं पियाली के लिए फिर से एक बार जेल जा सकता हूँ, पर इस बार उसके कत्ल के जुर्म। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है करमा, फाल्गुनी तुम्हारी तरह खूनी नहीं है कि अपनी बहन को बचाने के चक्कर में किसी और की जान ले ले। सोचने का वक्त दे रहा हूँ, 15 मिनट में फिर फोन करता हूँ। हेलो यही मौका है उत्तरा, एक झटके में तुम एक बार फिर सबके सामने पवित्र दूध से धुली ममता की मूरत बन जाओगी। फाल्गुनी की बहन को बचाने के लिए अपनी जान जो देने के लिए राजी हो गई हो। बहुत हो गया इस कर्मा का ड्रामा, मैं भी पुलिस को फोन करके आता हूँ। नहीं सुरेश, ऐसा करने से हो सकता है पियाली की जान को खतरा हो। करमा खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, पागल है वो। अगर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो हो सकता है वो पियाली की जान भी ले ले। तो आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? तूने अपने बदले के चक्कर में पिछले कई दिन से अपनी और मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर रखी थी। कोई सवाल किया मैंने? मैंने पूछा क्यों कर रही है? क्योंकि कर्मा कर्मों के फल देने में यकीन रखता है। अब कर्मा के साथ बुरा हो वो किसने किया? उत्तरा देवी, फाल्गुनी और तूने। अब कर्मा इस कर्म के ही फल देगा। अच्छे कर्म की शुरुआत कर देते। तेरी बहन मेरा काम तो करेगी नहीं, उसे लगता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता।
चल उसको एक ट्रेलर दिखाते हैं आज। नहीं करवा। कौन मुझे? फाल्गुनी को कर्मा की शर्त मान लेनी चाहिए। मैंने इस घर के साथ बहुत बुरा किया है सुरेश, और खासकर फाल्गुनी के साथ। हो सकता है ऐसा करने से मेरा प्रायश्चित हो जाए। बहुत अन्याय की है मैंने तुम पर। जो भी छीना है वो वापस तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी बहन की जान तो बचा सकती हूँ। सालों बाद मिली हो अपनी बहन से, कहकर माँ के पागलपन में अपनी बहन को वापस खोना बैठो। तुम कर्मा की शर्त मान लो फाल्गुन, मार दो मुझे और अपनी बहन को बचा लो। मैंने वीडियो भेजा है। प्याली, हेलो इंस्पेक्टर चौहान। सासू माँ ठीक कह रही है, मुझे कर्मा की शर्त मान लेनी चाहिए। ये फाल्गुनी भी मुझे मार के बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है। शर्त मान लेनी चाहिए मतलब तुम सच में उत्तरा को मारना चाहती हो? ये तुम क्या कह रही हो फाल्गुनी? तुम प्याली को बचाने के लिए मॉम की जान लोगी? हाँ कर्मा। हाँ क्या सोचा? कर्मा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए सासू माँ को मारने के लिए तैयार हूँ। बोलिए ना भाभी माँ, आपके सच में हमको मारने का सोच रही हैं? नहीं, और ऐसा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। हमें कर्मा को बस ये यकीन दिलाना होगा कि मैंने सासू माँ को मार दिया। तू उतरा देवी को मार देगी? हाँ। पर मुझे यकीन कैसे आएगा कि तूने उसे मार दिया? मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगी। मुझे हर चीज होते हुए देखनी है, तो ये काम तुम वीडियो कॉल पे करो। मुझे उत्तरा देवी की हर चीख सुननी है और ये देखना है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। तभी चैन मिलेगा मुझे और तभी मैं तेरी बहन को छोड़ूंगा, वरना इस पे इतना गुस्सा है ना मुझे कि नहीं 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 करना, कुछ मत करना। हाँ ठीक है, तो वैसा कर जैसा मैं चाहता हूँ। मैं किसी को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दे सकती। मैं उन्हें जहर दे दूंगी। उत्तरा देवी को इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। खंजर घुसाएगी तो उसके सीने में, और मुझे देख देख खंजर उसके सीने में जाते हुए, शकुन बहते हुए, तो तिल तिल कर तड़पते हुए देखना चाहता हूं मैं। और जब तक वो मर नहीं जाती ना, वीडियो कॉल ऑन रखेगी तू। और जब ये सब करने के लिए तैयार हो जाए ना, वीडियो कॉल मार दियो मेरे को।
जहर के बारे में तो झूठ बोल सकते थे, पर सीने में खंजर कैसे छुपाएंगे, खून निकलता हुआ कैसे दिखाएंगे। कर्मा मेरी मौत अपनी आंखों से देखना चाहता है, तुमने भी उसकी शर्त मान ली है, बस मार दो मुझे फाल्गुनी और अपनी बहन को बचा लो। मैं आपसे कितनी भी नफरत कर लूं उत्तरा देवी, आपको मार नहीं सकती, क्योंकि अंत पाप का होना चाहिए, पापी का नहीं। पर अगर मैं आपकी जान नहीं लूंगी तो वो कर्मा मेरी किट्टू को मार देगा, खून तो मेरे जरिए आएगा, या तो उत्तरा देवी का या किट्टू का। इंस्पेक्टर साहब, कर्मा को कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमने शहर के चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं। वैसे फाल्गुनी के फोन पर अभी भी फोन आ रहा है? हाँ, अभी भी फाल्गुनी के फोन पर फोन आया था। गुड, देखिए फाल्गुनी के फोन नंबर पर अगर वो फोन करता है तो उसे ट्रेस कर सकते हैं। उत्तरा जी की मौत की खबर देकर हम उसे कुछ देर फोन पर उलझाकर रख सकते हैं। कर्मा का भी कुछ देर पहले ही फोन आया था और उसने एक नई शर्त रखी है कि उत्तरा को कैसे मारा जाए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो अपनी आंखों के सामने मॉम को मरते हुए देखना चाहता, उसे उलझा के रखना आसान बात नहीं होगी। हमें कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा जिससे कि हम मॉम की जान बचा सके। कर्मा चाहता है कि श्रीमा मॉम के सीने में खंजर उतार दे, इस सब का नाटक हम कैसे करेंगे? हो सकता है ये नाटक हो सकता है, इस प्लान से मॉम की जान को खतरा तो नहीं होगा ना? हम पूरी सावधानी बरतेंगे छोले, तो फिक्र मत कर। भैया सच कहूं तो मैं मॉम को अभी तक माफ नहीं कर पाया था, पर अब जब ये सब हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। मैं मॉम को खोना नहीं चाहता। मॉम को कुछ नहीं होगा छोले, हम हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखेंगे और कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे कि मॉम की जान को खतरा हो। और फिर फाल्गुनी के लड्डू गोपाल है ना ये सब देखने के लिए? आपका ही सहारा है लड्डू गोपाल, हाथ कांप रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो या तो किट्टू की जान जाएगी या सासू माँ की। प्याली की जान को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी, फिक्र मत करो। और अगर कर्मा को जरा भी शक हुआ ना तो सच में मुझे मार देना। कितनी महान बन रही है ना आप, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सारा खेल आपका रचाया हुआ है। किट्टू को गुमराह किया आपने, उसके दिल में जहर भरा आपने, उसकी शादी सुरेश से करवाई आपने, कर्मा के पागलपन को भी आप ही ने हवा दी अपने फायदे के लिए, और आज जब वो इस हद तक पहुंच गया है तब भी आप अपनी जान दांव पर लगाकर महान बनना चाहती हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि फाल्गुनी कुछ भी करे पर किसी की जान नहीं ले सकती। अब क्या कहूँ मैं, तुम ही सोचो क्यों मैं अपनी जान दांव पर लगा रही हूँ, महान बनने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए, या कुछ और नया पाने के लिए, जो भी हो। लेकिन तुम्हें सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस प्याली के बारे में सोचो, उसे कैसे बचाया जाए उसके बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं।
हेलो कर्मा, कल सुबह 11 बजे जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाएगा। मॉम, आप रेडी हैं? ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग वीडियो कॉल को कम से कम 10 मिनट चालू रखना। जी इंस्पेक्टर साहब। नकली खून का पाउच भर दिया है तकिए में। धुएं का इंतजाम हो गया भैया। और फोन भी सेट कर दिया है मैंने। उत्तरा, तुम्हें बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो। फाल्गुनी तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगी। चलो, 11 बजने वाले हैं, हमें शुरू कर देना चाहिए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे मॉम। मॉम, मुझे मॉम कहा बेटा? दो जहां की खुशियां मिल गई मुझे, अब सच में मौत आ जाए ना तो भी गम नहीं होगा। ऐसा मत कहिए मॉम, आपको कुछ नहीं होगा और प्याली जी की जान भी बच जाएगी।